तो अभी चलते हैं सीधा केप की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, इतना पैदल चले हैं दोस्तों, पहाड़ी के रास्ते होते हुए गर्मी काफ़ी पड़ चुकी है। तो सबसे पहले मैं जैकेट को लेता हूँ उतार, फिर दिखाता हूँ मैं आपको केप का नज़ारा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं केप के बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पर खड़ा हूँ। फर्स्ट स्टेप दिखाएं नीचे, ये देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर खड़ा हूँ। ऊपर से थोड़ा सा व्यू दें तो यहाँ पे दोस्तों ये है केप, यहाँ पे रहते हैं नागा बाबा जी, जो अभी मुझे एवेलेबिलिटी उनकी नहीं मिली। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, माफ़ी चाहूँगा, जूते डाल के रखे हैं लेकिन शूट करना है दोस्तों, क्षमा आपसे ज़रूर मांगना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ चलते हैं, तो इस तरफ दिखाएं, यहाँ तो दोस्तों यहाँ तक तो पहुँचना मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ दिखाएं, और इतनी हिम्मत तो हम में नहीं, थोड़ा फ्लैश लगा के इनको दिखाएं, फ्लैश लगाएं, तो फ्लैश नहीं, लाइट ऑन करें। खैरिए तो दोस्तों बने रहे वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो, ये भी केव है, यहाँ पे भी नागा बाबा जी रहते हैं। तो अंदर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको लाइट के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हो दोस्तों कितनी कितनी बड़ी ये केव है। मैं अंदर तो नहीं जाने वाला दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अंदर जाके आपको लाइव दिखाऊं, तो अंदर जाने वाला तो मैं भी नहीं हूं। ये देख सकते हो कितनी गहराई है और कितनी ही लंबी और चौड़ी होगी दोस्तों, मैं कह नहीं सकता। ये देखिए, तो मैं थोड़ा सा जो भैया जी बैठे हैं उनसे भी ज़रूर कन्फर्म करूँगा। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ, और इस तरफ दिखाएं, इस तरफ दिखाएं, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मिलता है मुझे, ये देखिए बाबा जी का धोना, जिसको मैं टच नहीं करने वाला। तो ये सामने की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों, ये है उनका चिमटा, और यहाँ पे ये उनका धोना वगैरह। और इस तरफ दिखाएं, ये देखिए दोस्तों, ये देख सकते हो, काफी भाई ना कि ये मंजर मेरे लिए देखने को लग रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये यहां तक दिखाता हूं। ये देखिए मेरे हाथ में ये मोबाइल है, जबकि हमें शूट करने में काफी दिक्कत है, लेकिन आपको दिखाना है। यहां पर दिखाता हूं दोस्तों, ये देख सकते हो, यहां आगे दिखाएं, अपने कैमरा मैन से दरख्वास्त करके ये आपको दिखा देता हूं। और फ्रेंड्स मैं यहाँ आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे सिर्फ मल के सिवा मुझे कुछ नहीं दिख रहा, और यहाँ पे एक बड़ी मूर्ति, मल ही मल है, ये मैं कह नहीं सकता दोस्तों कि किस चीज़ का है, काफ़ी गंदी बदबू यहाँ पे आती हुई। और आगे की तरफ दिखाएं दोस्तों, काफ़ी अंधेरा, देख सकते हो आप आगे तक। थोड़ा सा कैमरा मैन से दरख्वास्त करता हूँ, कैमरा मैन थोड़ा सा आगे चल के, थोड़ा सा आगे का व्यू दे प्लीज़, थोड़ा सा ज़्यादा आगे ना जाए। ये देख सकते हो दोस्तों, जहां भी नजर डालोगे वहां तक ये केप का नजारा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जानवर भी रहते होंगे बाबा जी के साथ साथ। तो ये देख सकते हो आप चारों तरफ से, ये है गुफा, ये केप। तो अंदर जाने वाला तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ दोस्तों, अंदर भी गुफा है मैं, और इस तरफ भी देखे तो वहां भी ये मुझे केप लग रही है, लेकिन अंदर बिल्कुल नहीं जाने वाला दोस्तों। यहाँ जानवर का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे दिखाएं, यहाँ दिखाएं, ये देखिए दोस्तों, ये मल है, पता नहीं किस चीज का मल यहाँ मुझे देखने को मिलता है, काफी गंदी बदबू, ये देख सकते हो। अंदर तो मैं भी नहीं जाने वाला दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, सामने की तरफ भी देखिए, वहां भी ये केव है, पता नहीं कितनी लंबी और कितने किलोमीटर तक ये जाके खत्म होती है दोस्तों। कहना मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। और इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों तीनों तरफ से ये केव, और काफी हमारे लिए ये काफी डरावना दृश्य दोस्तों। और यहाँ जानवर भी हो सकते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि काफी मल यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है, काफी गंदी बदबू। तो अपने कैमरा मैन से मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बाहर की तरफ चलें, बाहर की तरफ दिखाएं। तो फ्रेंड्स ये अभी आपने देखा, और जैसे ही मैं अंदर से थोड़ा बाहर की तरफ चलता हूं, तो इस तरफ भी मुझे एक और केप देखने को मिलती है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा अंदर चलना, थोड़ी सी हिम्मत बटोरता हूँ, और मैं थोड़ा सा अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, चलो, ये देख सकते हो, पता नहीं कितने ही किलोमीटर, ये देखिए देखिए, दिखाएं लंबा दृश्य, दिखाएं आगे से दृश्य, दिखाएं, ये देखिए दोस्तों, कितना भयभीत कर देने वाला दृश्य है दोस्तों, भयभीत कर देने वाला दृश्य। ये देखिए, ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं,
ये देखिए कोई नहीं दिखाने वाला दोस्तों इस तरीके से। और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूँ, देखिए दोस्तों मुझ में हिम्मत तो नहीं है, ना ही मेरे कैमरामैन के अंदर ये हिम्मत है कि मैं आपको आगे चल के और नजारा दिखाऊं। ये आप देख सकते हो लाइव तस्वीरें दोस्तों। बार बार कहता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां मिलती है दोस्तों, काफी भयभीत और डरा देने वाला दृश्य हमारी आंखों के सामने, तो जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल दोस्तों और ना ही हम लोग जाने वाले। तो चलते हैं वापस, चलते हैं थोड़ा वापस। तो दोस्तों ये अभी आपने देखा, जहां भी नजर डालोगे वहां आपको ये केव और यही नजारा देखने को मिलता है। ये मैंने आपको दिखा दिया, चारों तरफ देख सकते हो, काफी डरा देने वाला ये दृश्य हमारे लिए, और अंदर जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल दोस्तों, क्योंकि मैं और मेरे कैमरामैन यहाँ पे दो ही हैं और काफ़ी क्वांटिटीज में मुझे यहाँ पे मल मिला है, और मैं कह नहीं सकता कि वो मल किस चीज़ का हो सकता है, किस जानवर का हो सकता है। काफ़ी गंदी बदबू उस केब के अंदर, और दिशाओं दिशाओं से मुझे केब ही देखने को मिलती है, और कहना ये गलत नहीं होगा दोस्तों कि कितने ही किलोमीटर तक वो चलती जाती है अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता दोस्तों। तो प्यार ज़रूर दें दोस्तों, यही उम्मीद आपसे करता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, ये थी केब जो मैंने चारों तरफ से दिखाया। अंदर जाना उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, काफ़ी अंधेरा मोबाइल का सहारा मुझे लेना पड़ रहा था दोस्तों, लेकिन अंदर मैं भी नहीं जा सकता। काफ़ी डरावना दृश्य मेरे कैमरामैन के लिए भी, काफ़ी डरावना चौंका देने वाला ये दृश्य। हम दूसरी बात मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जहाँ भी हमने गुफा के थोड़ा सा बिल्कुल पास गए ना, पता नहीं कितने ही किलोमीटर तक वो गुफा रहती है, और बिल्कुल संकरी सी ये वो गुफा है, हमारे लिए जाना इम्पॉसिबल है और ना ही हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ज़रूर दें दोस्तों, यही दरख्वास्त आप लोगों से मैं करता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मिलता हूँ मैं आपसे एक और नए कमाल के धमाल से, इससे भी ज़्यादा कमाल के वीडियो के साथ दोस्तों। तो अभी मिलता हूँ मैं आप सीधा चल के नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी थक चुका हूँ, 7 से 8 किलोमीटर की चढ़ाई उतराई का सफ़र हमने तय किया, और आप लोगों को मैंने वो केब दिखाई, लेकिन दोस्तों माफ़ी भी साथ साथ आपसे मांगता हूँ, क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे साथ मैं और मेरे सहयोगी मेरे कैमरामैन ही थे। और मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि जो मेरे कैमरामैन हैं वो काफ़ी छोटे हैं मुझसे, काफ़ी छोटे भाई, काफ़ी छोटे हैं वो कैमरामैन मेरे, लेकिन उनकी हिम्मत की मैं भी दाग देता हूँ दोस्तों, कि मेरे तक चल के, मेरे साथ चल के वहाँ तक वो मंज़र इन्होंने शूट किया और आप तक वो जानकारी पहुँचाई। तो दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करता हूँ हाथ जोड़ के, कि इस बार हम दो लोग अकेले थे, हिम्मत थी नहीं कि मैं अंदर घुस के जा सकूँ, और मेरे पास ना तो कोई किसी तरह का कोई साधन था कि मैं आपको लाइव चलता और आपको दिखाता। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस ज़रूर करता हूँ कि नेक्स्ट वीक जो मेरा ये ब्लॉग आएगा दोस्तों, मैं इसी लोकेशन में फिर दोबारा आऊँगा, हम 4 से 6 लोग यहाँ पे आएंगे, और मैं इतना कह सकता हूँ कि हमें अपनी प्रोटेक्शन का जो सामान हमें चाहिए होगा वो भी मैं साथ में लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कह देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ना गन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है और चाहिए भी होगी, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं ज़रूर मिलूँगा सेम इसी केब में आप लोगों के साथ, और मैं आपको तकरीबन आधा किलोमीटर पौना किलोमीटर जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाएगा हम उस गुफा के अंदर चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यही उम्मीद आप लोगों से मैं भी करता हूँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, और यहाँ पे जो लेडीज़ यहाँ पे लगी थी ना, तो उनसे जब हमने कंफर्म किया था 1.5 किलोमीटर पीछे गुफा से, 1.5 किलोमीटर पीछे जहाँ हमें लेडीज़ मिली थी, तो उनका कहना था कि जो वो गुफा है जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो गुफा सीधे यहाँ से होते हुए मनी महेश जाके निकलती है दोस्तों, ऐसा उन औरतों का कहना। लेकिन मैं प्रॉमिस आपसे ज़रूर करता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट वीक जो ब्लॉग मैं बनाऊंगा मैं सीधा गुफा का ही बनाऊंगा, रास्ता मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दिखा दिया है, रास्ते का मैं नहीं बनाऊंगा, सीधा मैं गुफा तक हम लोग आएंगे, 6 से 7 जन हम आएंगे, और अपना साजो सामान के साथ जो हमें प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें ज़रूरी होंगी वो भी साथ में लेते हुए आएंगे, और आपको गुफा में चल के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफ़र हम उस केब के अंदर तय करके आपको ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार ज़रूर करें दोस्तों, यही उम्मीद मैं करता हूँ और मेरे कैमरामैन आपसे भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दुनिया के हर एक कोने तक ज़रूर पहुँचाया करें दोस्तों, यही उम्मीद आपसे और आपका प्यार मुझे हर तरीके से चाहिए होगा दोस्तों, तभी मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने में समर्थ
हो पाऊंगा दोस्तों। और बार मुझसे ये सवाल भी पूछा गया है कि आप न्यूज़ चैनल में काम करते हो, एंकरिंग करते हो, तो ऐसा सवाल मुझसे ये पूछा गया था। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है जब मुझे इस तरीके से पॉजिटिविटी वाले कमेंट्स जो है ना मुझे देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो काफ़ी जल्दी मैं वो भी न्यूज़ चैनल शुरू करने वाला हूँ, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, तो उसे भी जाके आप विजिट करें और वहाँ भी अपना प्यार बनाए रखना दोस्तों, यही उम्मीद आपसे करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और कमाल धमाल के वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहें फ्रेंड्स।